जो बच्चे माशाल्लाह से पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीजनल एग्जाम्स हो, स्टेट वाइज हो, या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स हो, तो उनके लिए आज से एक नया प्लान स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। और मैं इंशाल्लाह उसमें मैथ्स का पार्ट लूंगा और दूसरे टीचर इंशाल्लाह आपके साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का लेंगे। तो आज से हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी उठा लिए, हम चैप्टर वाइज पूरा माशाल्लाह प्लान करेंगे और मैं उसमें मेंशन भी करता रहूंगा। जैसे कि ये मेरा मान लीजिए फर्स्ट वीडियो है, आपका फर्स्ट लेसन है, तो ये हमारे पास अपनी बुक है और मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसको शेयरूंगा। ये हमारी अपनी स्टडी पॉइंट की बुक है जो हम अपने बच्चों को डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं, या अलीगढ़ मुस्लिम इंस्टीट्यूट जामिया यूनिवर्सिटी के 11th एंट्रेंस के लिए पढ़ाते हैं, या जो दिल्ली का अपना पॉलिटेक्निक होता है उसके लिए पढ़ाते हैं। बट ये बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, हरियाणा पॉलिटेक्निक या दूसरे स्टेट पॉलिटेक्निक्स के लिए भी बहुत अच्छी है। और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो दूसरे एग्जाम्स भी अच्छे हैं जनरल मैथ्स के लिए, तो ये हम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज है, सारे सब्जेक्ट्स हमारे इसमें दिए हुए हैं, और जैसे ये फिजिक्स के हैं क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, 9th 10th के, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, और एक दूसरा और पार्ट होता है हमारा जिसमें इंग्लिश और जीके वाला पार्ट आता है, इंडिया इस्लामिक कल्चर वाला पार्ट वो रहता है। तो इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं आज से इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज, जिससे कि आपको एक आइडिया होता रहे कि किस तरह से आपका सिलेबस चल रहा है। तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपके साथ, कि हमारा ये जो दूसरे चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह दूसरे टीचर्स भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे केमिस्ट्री फिजिक्स वाले। तो इंशाल्लाह डेली आपकी कुछ ना कुछ तैयारी होती रहेगी। तो जैसा ये हमारे पास पहला चैप्टर है मैथ्स का, रैशनल नंबर्स। अब इसमें दो चैप्टर्स हम मान के चलते हैं, मतलब दो है, जैसा कि हमारे पास 9th है और 10th है। तो ये मैं आपसे करूँ डिस्कस। एक्चुअली आपको अगर मालूम है तो जो बच्चे स्पेशली अलीगढ़ के लिए जामिया के लिए बात कर रहे हैं तो वो जरा समझ लें इस चीज को भी थोड़ा सा, जिससे ये आपके काम आएगा कि जो जामिया होता है एंट्रेंस, जामिया 10th के बाद दो एंट्रेंस लेता है, एक लेता है स्कूल के लिए 11th एंट्रेंस एग्जाम, इलेवेंथ एंट्रेंस में यहाँ ध्यान रखिए तीन एग्जाम होते हैं, साइंस स्ट्रीम के लिए होता है, कॉमर्स के लिए होता है और आर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। और जामिया डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए एग्जाम लेता है। तो ये जामिया के अपने एग्जाम्स होते हैं। अब अगर मैं आपको इसमें बताऊं, 11th एंट्रेंस एग्जाम्स में 100 मार्क्स का पेपर आता है, और इस 100 मार्क्स में ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ 10th का सिलेबस आता है, और इसमें जो आता है वो साइंस आता है, 11th की मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10th लेवल का, मैथ्स आता है ये भी 10th लेवल का, और जी इंग्लिश आता है और जी के आता है। तो ये पोर्शन हमारा रहता है 11th साइंस के लिए। डिप्लोमा एंट्रेंस की जब हम बात करते हैं तो डिप्लोमा में 9th और 10th का सिलेबस आता है, लेकिन वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आता है, ये सिलेबस रहता है जो डिप्लोमा में आता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, AMU की, तो ध्यान रखिएगा AMU में 11th साइंस के लिए और डिप्लोमा के लिए एक ही पेपर होता है, उसमें आपके मार्क्स की मेरिट्स पे आपका सिलेक्शन होता है कि आपने स्कूल को प्रायोरिटी ज्यादा दी है या डिप्लोमा को दी है, आपके मार्क्स स्कूल के लिए ज्यादा अच्छे आए हैं या डिप्लोमा के लिए अच्छे आए हैं।
उसमें जो सिलेबस आता है वो 9th 10th लेवल का आता है, साइंस आता है उसमें, साइंस का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मैथ्स आता है उसमें, और जीके करंट अफेयर्स कह लीजिए, लेकिन जीके को हम इंडो इस्लामिक की में भी डिवाइड करते हैं, मतलब इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह, ये चीज, ये भी 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। डिप्लोमा का जो आपका जामिया का है वो 200 क्वेश्चंस का है, 200 मार्क्स का पेपर। अगर हम डेली सीईटी की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर मेरिट बेस्ड रहा, अदरवाइज हमेशा एग्जाम से ही होता है, तो इसमें 170 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस, सॉरी, 3 घंटे का पेपर होता है, और इसमें 9th 10th का मैथ्स साइंस और इंग्लिश आता है, तो ये हमारे पास है। और इसी तरह से आपके दूसरे स्टेट्स के बिहार बोर्ड और जामिया यूपी पॉलिटेक्निक और हरियाणा पॉलिटेक्निक या महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक, उसके एग्जाम्स होंगे आपके पास। तो खैर ये हमारे पास है। मैं जो आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो मैंने आपसे कहा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स, तो हम चैप्टर वाइज छोटे छोटे से टॉपिक्स लेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस लेंगे जो मैंने आपको बुक दिखाई। तो रियल नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है आपको ध्यान ये रखना है कि जो हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो वहां पे एक तो ये होता है कि वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस नहीं चाहिए, आपसे कह दे प्रूफ करो, एक्सप्लेन करो, वहां तो सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, उनमें से एक ऑप्शन बता दीजिए कौन सा सही है, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज बेस्ड पर ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो नॉलेज आपको उस चैप्टर की कितनी है, तो आपको उस चैप्टर की बहुत बारीक थोरो नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रख के चलिएगा प्लीज। तो जैसे अब मैं आपसे रियल नंबर्स का बहुत ही शॉर्ट में पहले प्रीव्यू ले लूं और फिर उसके बाद में आपसे क्वेश्चन करूं, अगर आपको थोड़ा सा याद है कि 10th मैथ्स में आपने रियल नंबर में क्या पढ़ा है, तो देखो रियल नंबर में आपने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम इस पे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम से आपने निकालना सीखा एचसीएल, फिर उस पे आपने जो यूक्लिड एल्गोरिथम था वहां पे आपने कुछ क्वेश्चंस प्रूव किए थे अगर आपको याद हो, कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2p+1, 4q+3, तो वो आपने कुछ शो किए थे, प्रूफ किए थे, प्रूफ ऑफ इवन या ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, वो आपने ये किया। फिर उसके बाद में जो आपने किया वो आपने HCF निकालना सीखा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपने LCM निकालना सीखा, आपने HCF इंटू LCM फॉर टू नंबर्स A इंटू B का, तो ये वाला आपने सीखा। फिर आपने जो सीखा था वो सीखा था कि इरेशनल नंबर्स का प्रूफ करिए, प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, 2+√2 इज इरेशनल नंबर, लाइक दिस, ये आपने प्रूफ किए थे। और फिर लास्ट वाला पार्ट था आपके पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये अगर आपको थोड़ा सा याद है तो ये आपका चैप्टर। अब इस पे कितने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे से, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो आपको देखना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह और देखते हैं कि आज कितना हम कर पाते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 के हिसाब से ये रहेगा कि टुडे इज वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, तो
तो अगर आप इंशाल्लाह इस सीक्वेंस में देखते रहेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आप मैथ्स को बहुत अच्छे कर लेंगे। और एग्जाम्स में टाइम रहेगा बहुत, अभी पता नहीं है कब फॉर्म्स निकलेंगे, कब एग्जाम होगा। तो उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि अल्लाह मियाँ माहौल सही रखे, आप लोगों के घर में खैरियत रखे, और फिर इंशाल्लाह आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो तो आप इंशाल्लाह हायर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आए। तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो आपके पास यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये किस बारे में था? इस तरह से ले लेते हैं जिससे कि आपको याद भी रहे कि अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपके पास दो नंबर हैं, वन इज डिवाइडेंड एंड अदर इज डिवाइजर, तो ध्यान रखिए फिर दो और नंबर जरूर होंगे इन दो नंबर्स के लिए। ठीक है, आपने अगर एक नंबर 5 लिया है, दूसरा नंबर 2 लिया है, तो इन दो नंबर्स के लिए तो दो नंबर जरूर होंगे। कौन से दो नंबर होंगे? सीधी सी बात है, क्वेशेंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। तो बस यही है यूक्लिडिज्म। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स देयर आर ऑलवेज टू अदर टू यूनिक इंटीजर्स सच दैट जो आपके पास डिवाइडेंड है डिवाइजर होगा, क्वेशेंट होगा प्लस रिमाइंडर होगा। कि जो 5 आएगा उसमें ये आपस में रिलेशन होगा, और उसमें भी स्पेशली क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर है वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, और ये तो तय है कि जो डिवाइजर है उससे छोटा आएगा। तो इसको आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा था। इसको लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। For any two positive integers, A and B, there exist two unique integers. देखो इंशाल्लाह जब हम इसको करेंगे एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को, तो इसके अलावा आपके पास 4-5 क्वेश्चंस अपने आप तैयार मिलेंगे, और किसी एक चैप्टर से 2-3 चांस में मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो टू यूनिक इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव बी देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे इन चारों में ये रिलेशन है, ए बी क्यू आर में रिलेशन। एंड जो आर होगा वो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा और हमेशा बी से छोटा होगा। मेरे पास सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो क्वेश्चंस कैसे हैं हमारे पास, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास इस बुक के क्वेश्चंस हैं, और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, जो हमने पढ़ा है सिर्फ उसी पे बेस्ड है, ए और बी और क्यू आर है तो इनमें रिलेशन क्या होता है। तो हमारे पास क्या है कि ए इज इक्वल्स टू A is equals to BQ plus R, ये हमारे पास है, where B is more than 0 less than R, तो यहाँ ध्यान रखना more than equals to 0 होना चाहिए। यहाँ हमारे पास more than equals to, इसमें हमारे पास A option है, इसमें R more than 0 आ रहा है, वाला इज मोर देन लेस देन बी, तो बी ऑप्शन है, और सी में क्या है नहीं, तो फिर हमारा बी ऑप्शन है, बस जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी ही आ रहा है, ये वाला। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं।
देखिए इसमें एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, यूक्लिड एल्गोरिथम इज स्टडीड ओनली फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर, आइदर पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, नाइदर पॉजिटिव नॉर इंटीजर। तो ध्यान रखिएगा जो भी हमने लिखा वो हमने लिखा था फोर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम ले रहे हैं वो ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो इस तरह से हमारे पास छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं, तो अगर हमें इंफॉर्मेशन मालूम है तो उस पर बेस्ड है। देखिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड अगर हम बात करें, ये हमारे पास दिया है एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। अब आपको पता चलना चाहिए कि रैशनल नंबर जो होते हैं सारे रैशनल नंबर नेचुरल नहीं होते, इंटीजर नहीं होते, रियल नंबर्स होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि रैशनल हो चाहे रैशनल हो दोनों का सम रियल नंबर होता है। अब ये दिया हुआ है हमारे पास फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अगर m इंटीजर है तो जब आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो जाएगा, तो ये जो हमारे पास है ये इवन हो जाएगा। ये दिया हुआ है रैशनल नंबर बिटवीन रूट टू एंड रूट थ्री इज, तो अगर इनके बीच का रैशनल नंबर चाहिए तो आप इन दोनों प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा रूट टू प्लस रूट थ्री 2। ऑड इंटीजर की बात करें फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2q+1, ठीक है, तो 2q+1 आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन हो जाएगा, ये प्लस 1 करेंगे तो ऑड हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। अब हम अगर बात करते हैं HCF LCM और क्वेश्चंस की, तो HCF LCM क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं HCF और LCM, असल में होता क्या है HCF जो आपके पास है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बस HCF। एक होता है टर्म ध्यान रखिएगा अगर कभी जरूरत पड़े, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दैट इज कॉल्ड जीसीडी। तो दोनों सेम है HCF या GCD। अब मान लीजिए आप कह रहे हो ये 4 नंबर है और ये 6 है और मुझे इन दोनों का HCF निकालना है, तो पहले तो इसको समझ लीजिए क्या होता है। एक्चुअली एक होता है फैक्टर, फैक्टर कहिए या डिवाइजर कहिए, जिससे आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो वो डिवाइजर कहलाता है, जिससे वो डिवाइड हो जाए वो फैक्टर कहलाता है। अब जैसा मैं आपसे कहूँ 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 1 से आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से आप डिवाइड कर सकते हो, 4 से आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 6 की बात करो तो आप 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, 6 से कर सकते हो। तो दीज आर द फैक्टर्स या डिवाइजर्स ऑफ 4 एंड 6। लेकिन अगर आप बात करोगे कि नहीं सर कॉमन फैक्टर्स बताओ, तो कॉमन सर यहाँ 1 आ रहा है और कॉमन सर यहाँ 2 आ रहा है, 1 दोनों में कॉमन है और 2 दोनों में कॉमन। अब अगर आप बात करो कि नहीं कॉमन में भी हाईएस्ट बताओ, ग्रेटेस्ट बताओ, तो आप सबको नजर आ रहा होगा कि हाईएस्ट 2 है, तो इसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इस तरह से निकालेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको करते क्या है, इजी वे क्या होता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं, 4 के होंगे 2 × 2 और 6 के होंगे 2 × 3, तो इन फैक्टर्स में से जो कॉमन होता है उसको प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्योंकि एक ही नंबर है उसका प्रोडक्ट कुछ आएगा नहीं, 2 ही रहेगा, तो यही हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF ऑफ 4 एंड 6 इज 2। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोडक्ट कैसे आता है, मान लीजिए हमने लिया 8 और मान लीजिए हमने लिया 12, फैक्टर्स हो गए 2 × 4 × 8, फैक्टर्स हो गए 2 × 4 × 12,
क्या है, ये वाला टू कॉमन है और ये वाला टू कॉमन है, तो आपके पास क्या होगा HCF ऑफ 8 एंड 12। तो इसमें कॉमन लेंगे, दूसरा टू कॉमन लेंगे, तो दो कॉमन है तो 2 2 4 HCF आ जाएगा। इसमें ध्यान ये भी रखना है कि 8 जो था वो 2 की पावर 3 है और 12 जो है वो 2 की पावर 2 इंटू 3 है। तो अगर कभी इस तरह से पावर्स की फॉर्म में लिखा हो तो आपको ये देखना है कि किसकी पावर कॉमन है। तो 2 की पावर कॉमन है, तो 2 की जो कम वाली पावर होती है उसको ले लेते हैं, तो 2 की पावर 2 इज द HCF। यहाँ ध्यान रखना है 3 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं, तो जो कॉमन है उसकी इस पावर को लेते हैं HCF निकालने। इसमें होता क्या है, कभी कभी आपको दे देता है कि भाई एक नंबर जो है हमारे पास x दिया हुआ है, मान लीजिए क्या दिया हुआ है x, a² b³ c, और एक नंबर y दिया हुआ है a² c³, और आपसे कह रहा है इसका HCF बताओ। तो इस तरह से अगर आपके पास देगा तो इसमें ध्यान रखिए a कॉमन है, a तो कॉमन है लेकिन उसकी लीस्ट पावर 1 है। इसी तरह से b भी कॉमन है तो b की पावर 2 है, c भी कॉमन है तो c की पावर 1 है, तो आंसर क्या हुआ ab² c। तो ये मेरे पास HCF हो। अब एक हमारे पास आता है LCM, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे मैंने आपसे कहा था ये 4 है और ये 6 है, तो यहाँ सबसे लास्ट वाला लेते हैं मल्टीपल, तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, ये मल्टीपल्स हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 6 के मल्टीपल्स क्या हैं, 6, 12, 18, 24, ये इसके मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। अब अगर हम बात करेंगे इनमें कॉमन क्या है, ये है मल्टीपल्स, तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो गए, 12 हो गया सर, 24 हो गया सर। इसमें लोवेस्ट छोटा वाला कौन है सर, 12 है, तो यही एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इज 12। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि अगर इसको इस तरह से लेंगे तो टाइम लगेगा, जैसे हमारे पास अभी एक नंबर है 4, तो इसके फैक्टर्स ले लीजिए 2 2 जा 4, एक है 6 2 3 जा 6। तो इसमें करना क्या होता है, जब आपको एलसीएम निकालना होता है तो जो कॉमन है वो फैक्टर ले लीजिए और जो रेस्ट रह गए वो भी ले लीजिए सब, फिर उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एलसीएम आ गया। तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि सपोज करो एक नंबर है x² y z³, दूसरा नंबर है x y³ z², तो इनका HCF अगर लेना है तो कम वाली पावर लेनी, x की पावर 1 y की पावर 1 z की पावर 2, और अगर LCM लेना है तो हाईएस्ट पावर लेनी, x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 3। तो इस तरह से आपको लेना है। ये हमारे पास होगा, ध्यान रखिएगा कि जो हमें लेना है इस तरह से हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF LCM में क्वेश्चंस आ जाएंगे, देखते हैं अगर कुछ एक दो क्वेश्चन आपके सामने रख दें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2³ 3 5 2 की पावर 4 5 7 इज, तो इसमें ध्यान रखिएगा अगर एलसीएम की बात आ रही है तो एलसीएम ग्रेटेस्ट पावर को कहते हैं, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 3 की पावर 1 है, नहीं है तो 3 भी लेंगे, ये 5 है, ये 5 है तो 5 भी लेंगे, ये 7 है तो 7 भी लेंगे। तो ये आपका जो है
अब इसमें हमारे पास एक चीज और आती है लास्ट, जो आपका टॉपिक बचता है, क्योंकि आपके पास प्रूफ के लिए. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और रहता है, अक्सर बच्चों का रहता है कि भाई दो नंबर अगर दिए हुए हैं तो HCF और LCM, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है. जैसे मैं अभी एक नंबर ले रहा हूँ 4 और 6, तो इसका HCF जो आ रहा है वो 2 है और इसका जो LCM आ रहा है वो 12 है. तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, 4 × 6 और 2 × 12, ये दोनों इक्वल होते हैं. तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है बहुत इजीली कि हमें दो नंबर्स में से कोई सी एक चीज दे दे, या HCF LCM में से दे दे, तो आपसे कहता है कि कुछ निकालिए. देखते हैं क्वेश्चन अगर मिल जाए हमें, जैसे ये क्वेश्चन और क्या ना उसका ही है, NCERT का ही. तो इस तरह से है आपके पास कि आप अगर चैप्टर आपको मालूम है और उसका बेसिक मालूम है तो आपको उसकी लिमिट्स भी मालूम हो जाएगी. जैसा ये दिया हुआ, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर इज 9, फाइंड द LCM. तो कुछ नहीं करना था, नंबर दिए हुए हैं 306 × 657 और ये 9 HCF दिया हुआ, LCM निकालना. तो इस तरह से अब 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, 9 × 3 = 27, 36, 9 × 4 = इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 34 × 657, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा. तो ये है हमारे पास. अब इसमें जो रहता है वो रहता है आपके पास एक टर्मिनेटिंग डिजिटल नंबर्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कभी कभी आपको एप्लीकेशन भी दे देता है. तो मैं आज एक एप्लीकेशन बता देता हूँ HCF LCM से बेस्ड. जैसा इसमें ही दिया रहता है, NCERT पे बेस्ड क्वेश्चन था है. चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास जो एनसीईआरटी में है, आपसे पूछता रहता है कि भाई हमारे पास एक पर्सन है ए, है ना, और वो एक सर्कुलर पाथ का जो है राउंड लेता है 12 मिनट में, और एक दिया है बी, बी जो है उसी का लेता है राउंड 18 मिनट. तो आपसे कह रहा है कि दोनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू करें तो कितने मिनट के बाद वापस मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है. तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं, कितने मिनट बाद मिलेंगे, अगर आपको याद आ रहा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये जो मिलेंगे ये अपने मल्टीपल्स में मिलेंगे. मल्टीपल का मतलब क्या है, ये पहले 12 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर 24 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर 36 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, फिर 48 मिनट में यहाँ पहुंचेगा. तो कोई भी अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है वो मल्टीपल में होगा. अब क्योंकि दोनों का निकालना है तो दोनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है, और सबसे पहले निकालना है तो लीस्ट निकालना है, तो एलसीएम लीजिए. अगर आप वैसे ही करेंगे 18 36 मिनट में यहाँ पहुंचेगा, तो दोनों वापस 36 मिनट, क्योंकि कॉमन आ रहा है 36 मिनट में यहाँ मिल जाए. तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होते हैं. तो आज मैं इसी पे खत्म कर रहा हूँ इस वाली वीडियो को, छोटी सी वीडियो बना के. इसमें सिर्फ एक रह गया कि डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ. तो नेक्स्ट क्लास में फिर वीडियो 2 यहीं से स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द नंबर विल टर्मिनेट. ये देखिए, ये 2 क्वेश्चन है, आइडिया दे देता हूँ आपको. नेक्स्ट टॉपिक यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. तो इस तरह से आपका ये रहेगा कि लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से. ये जैसा क्वेश्चन है, Which of the following rational number has non-terminating repeating decimal? अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई हमारे पास अगर एक नंबर होता है p/q, है ना, और जो नीचे वाला है अगर उसके फैक्टर्स 2 की पावर्स में या 5 की पावर्स में या दोनों में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइदर 2 और 5 और 4, तो वो डेसिमल आपका जो है टर्मिनेटिंग होता है, और उसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो बस ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ 7 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है,
3125 5 की पावर 5 होता है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इसमें ध्यान है जैसे 6/15 है, तो यहाँ आपको लगेगा कि 15 में 3 × 5 है, तो बेसिकली 3 तो ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 है, तो ये भी टर्मिनेटिंग, तो 3 इसमें टर्मिनेटिंग है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन टर्मिनेटिंग, तो बी वाला ऑप्शन है नॉन टर्मिनेटिंग, तो एक ऑप्शन क्वेश्चन ये है। अब एक जैसा दिया द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें आपको पूछ रहा है कि टर्मिनेटिंग है और किसके इक्वल होगा डेसिमल, तो इसमें तरीका ये था कि इसमें हम जो करते थे इसको जब हम करेंगे तो 5 की पावर 5 आएगा, तो अब अगर 3125 से 3125 से आप डिवाइड करेंगे तो मुश्किल होता है, तो अगर आपको याद हो हम इसको 10 बना लेते हैं, 10 कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 की पावर 5, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 5 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 32, तो 13 × 32 तो कितना हो जाएगा 416, तो नीचे 5 पावर है तो 5 डेसिमल प्लेस आएंगे, तो 0.00416, तो ये हमारे पास 0.00416 ये वाला सी वाला ऑप्शन, तो इस तरह से आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो ये छोटा सा एक चैप्टर बनता है और छोटे से चैप्टर पे ये इंफॉर्मेशन बनती हैं। तो अब आप माशाल्लाह कितना अपने चैप्टर्स को डिटेल में जानते हैं और उस पर क्वेश्चंस करते हैं और कितना उन चीजों से बचते हैं जिनकी जरूरत नहीं, तो इस पर हम फिर क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह जो हमारी बुक से हैं। ये वीडियो 1 है, आज लेक्चर 1 समझिए, इसको देखिए बार बार, अच्छा होगा अगर आप जो हैं खैर से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखेंगे, ज्यादा लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह हिम्मत बढ़ती है फिर रोज अच्छी सी वीडियो बनाने की। चलिए अल्लाह ताला आफियत करे, कामयाब करे आपको, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए इंशाल्लाह, हौसला रखिए, अल्लाह में खैरियत रखिए, खूब अल्लाह से दुआ करिए, इबादत करिए, रमजान चल रहे हैं अपने लिए सबके लिए दुआ करें माशाल्लाह से, नमाज पढ़ें पूरे मुल्क के लिए पूरी दुनिया के लिए, अल्लाह ताला पूरी मुल्क पे खैर आफियत फरमाए, सब परेशान हैं तो अगर आप सबके लिए दो आंसू बहा लेंगे और उनके गम में शरीक हो लेंगे, उनके दुख में साथ हो लेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप उनके साथ हैं और आपको भी दूसरों के साथ महसूस होगा। अल्लाह ताला आफियत करे, अस्सलाम वालेकुम।